पिनलगढ़ दादूमच में हुई डकैती का टोंक पुलिस ने पर्दाफाश किया है। शनिवार रात्रि करीब 2 बजे मालपुरा थाने पर टेलीफोन पर सूचना मिली कि ग्राम पिनलगढ़ दादूमच में संत शिवदयाल महावीर दास बुद्धि प्रकाश स्वामी के साथ कुछ लोगों ने डंडे से मारपीट की और मौके से चांदी का थाल, 3 अंगूठिया, 1 सोने की चेन, 3 सोने के मंडलिये, चांदी की छोटी बड़ी पाइचेप, आंवले, नेवरी व 42,000 रूपए नकदी व 6 मोबाइल फोन, 1 ऑल्टो मारुति कार लूट कर फरार हो गए। टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश वर्मा ने तुरंत संपूर्ण जिले में नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान ऑल्टो कार घास चौकी की नाकाबंदी तोड़कर भाग गई। पुलिस द्वारा पीछा किया गया और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई जारी है। टोंक के लिए ही मतलब हमारा टोंक जिला पुलिस ने ही जो सभी कोऑर्डिनेशन बैटन एडिशनल एसपी टोंक मालपुरा डीएसपी मालपुरा सभी सीओ टोंक और सबने कोऑर्डिनेट सीओ नियारा सबने कोऑर्डिनेट करके जो ये पीनटगढ़ जो दादूपंथी जो मठ था इसमें एक इम्पोर्टेंट डकैती हुई थी। वैसे ये ऐसी डकैती गैंग थी जिसमें अंतर्राज्य इंटर स्टेट की 3 स्टेट्स की गैंग इसमें इन्वॉल्व थी। इसमें यूपी के डकैत थे, इसमें मध्य प्रदेश के थे, इसमें बाड़मेर के थे, 3 स्टेट के जो क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी को हमने चंद घंटों में गिरफ्तार करके और 8 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए और उसमें 100% इनके रिकवरी का जो करीब 50 लाख का जो अधिक का जो माल था वो सारा हमने उसमें बरामद कर लिया है। तो जनरली रिकवरी नहीं हो पाती लेकिन इसमें ओरिजिनल रिकवरी और इमीडिएट रिकवरी करके ये जो एक अच्छा केस ट्रेस आउट हुआ। सीओ मालपुरा चक्रवर्ती सिंह ने इसने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा बेटर कोऑर्डिनेशन किया और इतनी दूर दराज के इलाके से दतिया से मध्य प्रदेश से इस कोरोना काल में मुलजिमों को लाना, उनको फिर उनको इंटरोगेट करना, बाड़मेर से मुलजिम लाना और ये सारी जो व्हीकल है नाकाबंदी के दौरान पुलिस बहुत एक्टिव थी। रात को ही व्हीकल पकड़ा गया था, एक दो व्हीकल इसमें था, इसमें दोनों जो गाड़ियां थी वो आ गई, ये मुलजिम आ गए, कुछ मुलजिम उसमें और पेंडिंग है और इस डकैती का पूरा जो पर्दाफाश हो गया सारा माल इसमें बरामद कर लिया। टोंक पुलिस इसने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों का इसमें